एक कण का वेग किसी क्षण पर 4 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि आपको यू दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड, और अगले 5 सेकंड तक यानी कि टी इज इक्वल टू हो गया 5 सेकंड, इसे त्वरण दिया जाता है 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, इस अवधि में चली गई दूरी निकालने। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर यह माना गया है जो कण है वो एक ही दिशा में चल रहा है, साथ ही साथ उसकी गति की दिशा भी परिवर्तित नहीं हो रही है क्योंकि त्वरण है, मंदन नहीं है। तो यहां पर ऐसी परिस्थिति में आपका जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर ही होगा, तो एस विस्थापन होता है। अब यू 4 है, टी 5, 1/2, ए 1.2, टी 25, ये हो गया आपका 0.6, 5 चौक 20, और आपका 25 × 0.6 तो ये हो गया आपका 15, तो 35 मीटर, 35 मीटर की चली गई दूरी हो गई। ये 55 ना समझ लें इसको, 3 को मैं फिर से ठीक कर देता हूँ, कहीं बच्चों आप लोग 55 समझ बैठे इसको, 35 ठीक है, एस बराबर 35 मीटर आ गया।